भारतीय बाजार में एसयूवी का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खासकर छोटे साइज के एसयूवी की डिमांड सबसे ज्यादा है और कस्टमर्स की इसी डिमांड को देखते हुए ऑटोमोबाइल ब्रांड्स इस सेगमेंट में एक से बढ़कर एक मॉडल को पेश करने में लगी है। और अब बाजार में टाटा मोटर्स से लेकर हुंडई मोटर्स तक अपनी नई माइक्रो एसयूवी को पेश करने में लगी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 अपकमिंग माइक्रो एसयूवी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि नंबर 3 स्पेशल है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 हुंडई एएक्स। दक्षिण कोरिया की बाहर निर्माता कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी नई माइक्रो एसयूवी ला रही है। इसे एएक्स कोड नेम दिया गया है। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया गया था। टेस्टिंग के दौरान जो मॉडल देखा गया है उसके अनुसार ये मिनी वेन्यू जैसी दिखती है। कंपनी ने इसे बॉक्सी शेप के साथ रेडिएटर ग्रिल, स्प्लिट हेडलैम्प और राउंड टेल लैम्प दिया है। इसके अलावा इसमें 6 स्पोक अलॉय व्हील्स दिया जा सकता है। इस कार में रूफ रेल भी दिया जाएगा जो कि इसे स्पोर्टी लुक देगा। टेस्टिंग कार में एलईडी हेडलैम्प, टेल लैम्प और डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिला था। ऐसा माना जा रहा है कि ये फीचर्स प्रोडक्शन मॉडल में भी देखने को मिलेंगे। इस कार में 1.2 लीटर की पावर वाली नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि कंपनी की पॉपुलर हैचबैक कार ग्रैंड आइटन नियोस में भी इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2 टाटा HVX और हॉर्नबिल। देश के उभरता हुआ बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स जल्द ही इंडियन मार्केट में अपनी नई माइक्रो एसयूवी को पेश करने की तैयारी कर रही है। अगले साल कंपनी ने इसके कॉन्सेप्ट वर्जन को ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था जिसे HVX का नाम दिया गया था। और अब खबर है कि कंपनी इसे हॉर्नबिल नाम दे सकती है। कंपनी की ये आने वाली एसयूवी टाटा मोटर्स के इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन पर तैयार की जाएगी जिसको इससे पहले ऑल्टोस में इस्तेमाल किया जा चुका है। जहां तक एक्सटीरियर की बात करें तो ये हैरियर से मिलता जुलता होगा। कंपनी इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर की पावर वाली पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेगी। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो अब आपके लिए है स्पेशल न्यूज जो कि है नंबर 3 सिट्रोएन CC21। फ्रांस की पॉपुलर ऑटोमोबाइल कंपनी सिट्रोएन भी भारतीय बाजार में एंट्री करने जा रही है। जानकारी के अनुसार कंपनी इंडिया में अपनी नई माइक्रो एसयूवी CC21 को लॉन्च कर सकती है। इसे 2021 के मिडिल या फेस्टिव सीजन तक बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इसे कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म CMP पर तैयार करेगी। कंपनी की इस एंट्री लेवल कार में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे। इस कार में 1.2 लीटर की पावर वाली पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। सो गाइस, यही टोटल 3 अपकमिंग माइक्रो एसयूवी है जो जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। आप कमेंट करके बता सकते हो इन तीनों ही कार्स से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।